नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं। पटना में एक ऐसे सिनेमा घर की शुरुआत होने वाली है जहां पर आप लेट के आराम से सिनेमा देख सकेंगे। वैसे तो राजधानी में एक से बढ़कर एक सिनेमा घर मौजूद हैं, जिनमें से कई सिनेमा घर बड़े ही आधुनिक तकनीक से डेवलप किए गए हैं, जिनमें बैठने के लिए गद्देदार चेयर की व्यवस्था की गई है, जिसमें बेहतर लेग रूम और बैक एक्सटेंशन की सुविधा दी गई है, जिस पर बैठकर लोग आराम से फिल्मों को देखते हैं। सिनेमा हॉल के एसी वाले कमरों में गद्देदार कुर्सी पर बैठकर फिल्में देखने का मज़ा ही कुछ और है। हालांकि कुछ लोग यह भी चाहते हैं कि सिनेमा घरों में लेट कर सिनेमा देखने की व्यवस्था हो, ताकि उन्हें अपने घर जैसी फीलिंग आ सके, क्योंकि अधिकांश लोग अपने घरों में सोफे पर लेट कर आराम से सिनेमा देखते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कोई भी सिनेमा घर या मल्टीप्लेक्स नहीं है जहाँ पर सोफे पर लेट कर फिल्मों को देखने की व्यवस्था है, जिसके बाद दर्शकों को घंटों बैठने के बजाय आराम से सोफे पर लेटकर सिनेमा देखने की आज़ादी मिल सकेगी, जिससे उन्हें फिल्म देखने में और भी आनंद आएगा, क्योंकि उन्हें कमर और गर्दन के अकड़न से छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल पटना में एक सिनेप्लेक्स स्मार्ट थिएटर का निर्माण किया गया है, जहाँ लोगों को बेहद ही अलग अंदाज में सिनेमा देखने का मौका मिल सकेगा। पटना के राजा बाजार में मौजूद सिनेप्लेक्स स्मार्ट थिएटर सिनेमा प्रेमियों के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। राजा बाजार फ्लाईओवर के पिलर नंबर 29 के सामने की गई है। इस थिएटर की खासियत यह है कि यहां आपको बैठने के लिए खास तरह का सोफा दिया जाता है, जिस पर आप लेटकर भी सिनेमा देख सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट वाला बिहार में यह पहला सिनेमा घर है जहां लेटकर फिल्म देखने का विकल्प दिया जा रहा है, जहाँ आप अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ आकर आराम से फिल्म देख सकते हैं, जिसके लिए टिकट का प्राइस भी बहुत कम रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर टिकट का प्राइस 250 और 260 रुपये तय किए गए हैं। मालूम हो कि वीकेंड और त्योहारों के सीजन में पटना के सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। इस दौरान शहर में मौजूद सभी मल्टीप्लेक्स भी सिनेमा देखने वालों की इस भीड़ को बैठने की जगह नहीं दे पाती है। इस दौरान आपके लिए सिनेप्लेक्स स्मार्ट थिएटर एक विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। आप वीकेंड या त्योहारों के सीजन में इस थिएटर में जाकर फिल्म देख सकते हैं। वीकेंड या त्योहारों के दिन आप इस थिएटर में जाकर फिल्म का लुत्फ़ उठा सकते हैं और आप आराम से लेटकर फिल्मों को देख सकते हैं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।